हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एसक्यूएल और एसक्यूएल सर्वर दोनों के बीच में कंपैरिजन थोड़ा सा करेंगे और देखेंगे कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। जो काम आप एसक्यूएल सर्वर पर करते हैं उसे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एसक्यूएल पर भी कर सकते हैं, ठीक है? ये तो बात आपको पता ही है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ से अगर आपको एसक्यूएल सर्वर ओपन करना है तो मैंने यहाँ पे देखिए डाउनलोड कर रखा है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, इसे आप क्लिक कर दीजिए। आपके पास अगर कहीं है तो आप ऑनलाइन डाउनलोड कीजिए, कम्युनिटी वर्जन इसका डाउनलोड कर लीजिएगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है? तो जैसे ही ये ओपन होगा तो इसे आपको नेट से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये एक विंडो आती है कनेक्ट टू सर्वर, तो इसे सर्वर से कनेक्ट होने के लिए नेट से कनेक्ट कर दीजिए आप। जैसे ही नेट से कनेक्ट करेंगे ये कनेक्ट हो जाएगा और फिर आप इस पर वर्क कर पाएंगे, ठीक है? आपको पहले बता रखा है कि यहाँ पर डेटाबेस जो दिया गया है इस पर जाकर के राइट क्लिक करना है, माउस से राइट क्लिक करिएगा, ये न्यू डेटाबेस हम बना रहे हैं तो न्यू डेटाबेस पर क्लिक कर दीजिए, ओके? और यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर डेटाबेस का नाम देना है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, एक डेटाबेस का नाम दे देता हूँ, जैसे मैं एक स्टूडेंट का डेटाबेस बना रहा हूँ तो स्टूडेंट डी कर देता हूँ, स्टूडेंट डेटाबेस, ठीक है? एंटर कर दीजिए। ये स्टूडेंट का डेटाबेस हमने बना दिया है, मतलब नाम दे दिया है, ठीक है? अब इसी डेटाबेस पे डबल क्लिक करता हूँ, स्टूडेंट डी नाम से जो डेटाबेस बनाया वो डिस्प्ले हो जाएगा। इस पर डबल क्लिक करिएगा तो आपको टेबल डिस्प्ले होगा, ये टेबल्स दिख रहा है, तो टेबल से आप चले जाइए, राइट क्लिक करिए और न्यू टेबल बना लीजिए। तो ये टेबल है, ठीक है? आप ग्राफ टेबल भी बना सकते हैं, एक्सटर्नल टेबल बना सकते हैं, फाइल टेबल बना सकते हैं, टेम्पोरल टेबल बना सकते हैं, मेमोरी ऑप्टिमाइज टेबल भी बना सकते हैं। फिलहाल हम टेबल ही बना रहे हैं तो टेबल से क्लिक कर देने वाला हूं मैं। क्लिक कर दिया, यहाँ पर पूछ रहा है कि कॉलम का नेम आप क्या देना चाहते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर आप कॉलम का नेम दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ रोल नंबर, ठीक है? सिंपल लिखता हूँ रोल नंबर, यहाँ पर आपको अंडरस्कोर लगाने की जरूरत ही नहीं, ठीक है? और यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर डेटा टाइप मिल जाता है आपको। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे डेटा टाइप आपको मिलते हैं, कंपैरिजन टू एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की बात करें तो उससे बहुत ज्यादा डेटा टाइप यहाँ पर आपको मिलते हैं। देखिए बहुत सारे डेटा टाइप है, तो यहाँ पर रोल नंबर किस तरह का डेटा टाइप होगा, तो यहाँ एक एंटायर डेटा टाइप भी मिल जाता है आपको। आप चाहे तो कैरेक्टर रख सकते हैं, इंटीजर रख सकते हैं, बिग इंटीजर रख सकते हैं, बिग इंटीजर को खैर नहीं रखना है, बिग इंटीजर रख के क्या करेंगे, इंटीजर रख सकते हैं हम, एंटायर रख सकते हैं, तो इंटीजर रख लेते हैं एक बार, ठीक है? और ये लिखा हुआ है अलाउ नल, तो अगर इसको नल रखना चाहते हैं तो इस पर टिक कर सकते हैं, मतलब नल भी छोड़ दिया जाए, खाली छोड़ दिया जाए तो भी कोई दिक्कत ना हो, ऐसा आप चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर जाने के बाद आप यहाँ से राइट क्लिक करेंगे तो प्राइमरी की सेट कर सकते हैं, ये देख रहे हैं सेट प्राइमरी की दिया हुआ है, तो क्लिक करेंगे तो ये प्राइमरी की बन जाएगी। अब एक्सेस में क्या तरीका था प्राइमरी की बनाने का वो तो आपको याद ही है, ठीक है? अभी मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट कर देते हैं, कोई अंडरस्कोर नहीं देना है आपको, नेम ऑफ स्टूडेंट डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ इस तरीके से। एसक्यूएल में जाएंगे तो वहां पर आपको अंडरस्कोर करके लिखना होगा माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल में, ठीक है? यहाँ पर एंटर रखता हूँ, साइज देखिए है 10, ठीक है? अब अगर हमको कोई और नहीं लेना है, इसमें दो ही फील्ड चाहिए, कोई और फील्ड अब नहीं चाहिए हो, क्या कर सकते हैं? तो अब हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल वे में क्या करना है, यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है, सेव टेबल, सेव टेबल पे जाएंगे तो ये टेबल का नाम हमें देना होगा, ठीक है? तो यहाँ मैं स्टूडेंट टी कर देता हूँ, स्टूडेंट टी यानी स्टूडेंट की टेबल, तो ये स्टूडेंट टी के नाम से इसको सेव कर दिया हमने, सेव हो गया ये। अब आप इसको क्लोज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, जो टेबल बनी वो गई कहाँ, तो इस टेबल पे डबल क्लिक करिए, बस आपको ये दिख जाएगा स्टूडेंट टी का डीबी, ठीक है? तो क्या करके आप इसको एडिट कर लीजिए, एडिट करेंगे तो ज्यादा बेटर है, एडिट टॉप 200 रोज, तो इस पे क्लिक कर दीजिए, ये ज्यादा बेटर है। यहाँ पर आएंगे तो ये नल दिया हुआ है, ठीक है? अब यहाँ पर आकर के रोल नंबर 1 दे देता हूँ मैं, और यहाँ पे है नेम ऑफ स्टूडेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट दिया गया है, ठीक है? तो यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट देते हैं हम, ठीक है? तो यहाँ पे दे दिया SURA, ये एक नेम ऑफ स्टूडेंट हमने दे दिया। इसी तरीके से यहाँ पे रोल नंबर 2 देंगे, 2 दे दिया, ठीक है? यहाँ पे राम लिख देते हैं, तो ये कब काम करेगा, ये इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है? ये तो तरीका हो गया माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर पर किस तरीके से आप काम करेंगे, ठीक है? इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, क्लोज कर दिया मैंने। अब ये तो डेटाबेस हमारा बन गया, ठीक है? अब एक्सेस में क्या करते थे हम, एक्सेस में बड़ा सा होता है जहां पर जाते थे हम, और यहाँ पर एक्सेस टाइप करते थे, एक्सेस आ जाता था,
और यहाँ पर क्लिक करके ओपन कर लेते थे हम लाइन डेटा बेस पर, जैसे क्लिक करेंगे क्रिएट पर क्लिक कर देते थे उस तरीके का सिनेरियो आ जाता था। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम क्लोज कर देते थे, ये जो डेटा बेस है इसको हम क्लोज कर देते थे। ठीक है, यहाँ से क्रिएट पे जाके क्वेरी डिजाइन पे जाते थे और यहाँ से इसको क्लोज कर देते, तो यहाँ पे एसक्यूएल व्यू मिल जाता था और यहाँ पर कोडिंग करके हमें बनाना होता था। ठीक है, एक तो ये हो गया कोडिंग करके कैसे बनाया जाए, दूसरा तरीका ये होता था कि यहाँ से जाते थे हम, ठीक है, और यहाँ पे जाने के बाद ये जो क्रिएट है यहाँ पे जाते थे, फिर टेबल पे चले जाते थे और यहाँ से जाकर के इस तरीके से हम टेबल बनाते थे, यहाँ पे आईडी है, ठीक है, इस तरीके से ही आता था। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर में अगर हमें कोडिंग के थ्रू बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, कोडिंग के थ्रू बनाना है तो आप डायरेक्टली क्वेरी बना सकते हैं, तो न्यू क्वेरी पे चले जाएंगे, ये देखिए न्यू क्वेरी पे जैसे ही क्लिक किया मैंने तो यहाँ पे ये इस तरीके से आ गया। अब आपको सिंपली यहाँ पे लिखना होता था क्रिएट टेबल, इस तरीके से आप लिखिए, देखिए आपका टेबल बन जाएगा और यहाँ पे टेबल का नाम जो भी नाम है वो दे देना है। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं कर देता हूँ केवल स्टूडेंट। ठीक है, ये टेबल का नाम हो गया, यहाँ ब्रैकेट को ओपन करना है आपको और फिर आगे की जो भी कोडिंग है, आगे का जो भी प्रोसीजर है वो आपको करना है। ठीक है, तो ये ब्रैकेट को ओपन करिए, यहाँ पर नेम में खाली नेम कर देता हूँ, मैंने अभी नेम कर दिया और इसका डेटा टाइप क्या रखेंगे, टेक्स्ट रखेंगे, केवल टेक्स्ट रख देता हूँ मैं, एंटर करके नीचे आना है, यहाँ पे एज कर देता हूँ, एज एज हो गया, बस इसको ब्रैकेट को क्लोज कीजिए, यहाँ मैं ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ और यहाँ से इसको एक्सिक्यूट करवाने की कोशिश करता हूँ, तो कमांड हमारा सक्सेसफुली एक्सिक्यूट हो गया। ठीक है।